आज हम लोग फॉर लूप के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फॉर का सिंटैक्स क्या होता है। तो फॉर लूप में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर स्मॉल लेटर्स में, फिर ये पैरेंथेसिस ऑन करते हैं यानी कि ये वाला ब्रैकेट खोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं काउंटर। काउंटर आप कुछ भी ले लो, जो वेरिएबल, कोई भी ऐसा वेरिएबल जो बढ़ता हो या फिर घटता हो, यानी हम उसको काउंट करने के लिए रखते हैं। मान लो कि वो होता है एक आई है, आई वेरिएबल है, ठीक है। उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया 1 से, ठीक है। तो ये मेरा काउंटर वेरिएबल है, ठीक है, उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया। अब क्या होता है कि हम लोग यहाँ कंडीशन चेक करते हैं। अब हम लोग कंडीशन कुछ भी रख सकते हैं जो भी डिपेंड करेगा हमारे प्रोग्रामिंग पे, ठीक है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं, यानी काउंटर वेरिएबल कौन था हमारा, आई। अब इसको चाहे तो हम इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं या डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं। इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है? इंक्रीमेंट मतलब होता है कि बढ़ाना। फॉर एग्जांपल कि आई इक्वल टू हम लिख देते हैं, आई इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे आई प्लस 1, ठीक है। और डिक्रीमेंट होगा तो क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू आई माइनस 1। अब यहाँ पे ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम आई को 1 से ही बढ़ाएं, उसको हम 2 से भी बढ़ा सकते हैं, 3 से भी बढ़ा सकते हैं, या फिर 2 से घटा सकते हैं, 3 से घटा सकते हैं। ये जैसे हम लोग कोडिंग करेंगे उसमें हम लोग को जैसा भी चेंजेस आएगा हम लोग उस हिसाब से करेंगे। अभी के लिए बस आप ये समझो कि यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे अपना काउंटर को, ठीक है। तो फॉर का सिंटैक्स क्या हुआ यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज़ करेंगे काउंटर को, फिर सेमी कोलन देंगे, फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखेंगे, फिर सेमी कोलन देंगे, फिर अपना काउंटर को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। अब क्या होता है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू होता है तो क्या होता है, ये फॉर का बॉडी है, ठीक है। जो ये कर्ली ब्रैकेट है ये फॉर का बॉडी है, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी है। तो जब भी ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये फॉर का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। मान लो कि यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है, फिर यहाँ पे कुछ कंडीशन चेक हुआ, जैसे कंडीशन चेक हुआ देखा ट्रू है, तो क्या होगा, ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ही ये फॉल्स हो जाता है, मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर नहीं लेके आएगा, ये डायरेक्टली फॉर के बाहर चल जाएगा। मतलब फॉर के बॉडी के बाहर जो भी स्टेटमेंट अब लिखा हुआ होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि फॉर लूप एग्जैक्टली कैसे वर्क करेगा, मतलब कैसे काउंटर बढ़ेगा, कैसे कंडीशन चेक होगा, ठीक है। आइए हम लोग इस छोटे से एग्जांपल से देखते हैं कि हमारा फॉर लूप कैसे चलेगा, कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया है, यहाँ पे आई लिया है इंट में, ठीक है, इसको डिक्लेयर कर लिया। अब हमने आई को इनिशियलाइज़ किया है, जो हम देख रहे थे अभी कि हमने अपना काउंटर को इनिशियलाइज़ कर लिया, ठीक है। अब ये होगा कैसे? तो सबसे पहले तो ये कंट्रोल यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब ये इस जगह के लाइन से जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसके बाद इसमें आएगा। तो फर्स्ट स्टेप तो मेरा ये वाला हो गया, ठीक है, इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद ये जाएगा कहाँ? उसके बाद ये जाएगा इसके पास कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। ये मान लो मेरा सेकेंड स्टेप हो गया, ठीक है। तो ये जब कंडीशन चेक करेगा, अगर ये देखेगा कि ये कंडीशन ट्रू है, अभी हमारे केस में क्या है, आई का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी कि ये ट्रू हुआ। जैसे ही ये ट्रू होगा ये फॉर के बॉडी के अंदर आ जाएगा, मतलब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे जितना सारा लाइन लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिलहाल हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ एक ही लाइन है, तो ये ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब हम लोग का यहाँ लाइन क्या है, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ लिखे हैं और आई को प्रिंट किए हैं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट होगा फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये प्रिंट करने के बाद यहाँ आएगा ये क्लोजिंग ब्रैकेट के पास। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, अब ये यहाँ से यहाँ जाएगा इस तरफ, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई का वैल्यू कितना था, 1,
यानी अब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हुआ, फिर ये 2 को किस में डाल देगा, आई में, यानी आई का वैल्यू अब कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इसके बाद ये जाएगा फिर से कंडीशन चेक करने। अच्छा, अब कंडीशन चेक करेगा, देखेगा ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये ट्रू हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे ये इसके अंदर आना चाहिए, मतलब कि आई का वैल्यू कितना है, 2 हुआ, 2 < 3, यानी ये ट्रू है, ट्रू है तो फिर इसके अंदर आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से ये प्रिंट करेगा, अब क्या प्रिंट होगा, अब होगा 2 प्रिंट, फिर ये कर्ली ब्रैकेट के पास आएगा, क्लोजिंग के पास, फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर आई को इंक्रीमेंट करेगा, अब आई का वैल्यू कितना हो गया, 2 था, 2 + 1 3, 3 को आई में डाल देगा, यानी अब आई का वैल्यू 3 हो गया। फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा कंडीशन चेक करने, तो देखेगा i < 3, 3 < 3, 3 3 के बराबर है तो ट्रू हो जाएगा, फिर ये ट्रू होगा तो फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो क्या करेगा, फिर से प्रिंट करेगा, अब आई का वैल्यू कितना है, आई का वैल्यू है 3, तो 3 प्रिंट कर देगा, फिर ये कर्ली ब्रैकेट के पास आएगा, फिर यहाँ से यहाँ ये ऊपर जाएगा, फिर i = i+1 करेगा, यानी 3 = 3+1। ठीक है, 3 + 1 करेगा तो कितना हो जाएगा आई का वैल्यू, 4, 4i में स्टोर हो जाएगा। तो अब यहाँ फिर से कंडीशन चेक करने आएगा, 4 < 3, तो देखेगा 4 ना ही 3 के बराबर है और ना ही 3 से छोटा है, तो ये कंडीशन अब क्या होगा, फॉल्स होगा। अब फॉल्स होगा तो बताओ कहाँ जाएगा, फॉल्स होगा तो डायरेक्ट वो यहाँ आ जाएगा, जो भी कर्ली ब्रैकेट के बाद में लिखा होगा, अब वो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट टाइम जब एंट्री लेता है ये फॉर लूप में, तो ये इस तरफ से लेता है, ठीक है, फर्स्ट वाले तरफ से, उसके बाद ये कंडीशन चेक करता है। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर वो अंदर आता है, एक बार यहाँ आ गया उसके बाद ये प्रोसेस यहाँ से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के पास जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर बॉडी में आएगा, फिर यहाँ से जाएगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के पास, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर बॉडी में आएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन ट्रू है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा वो क्या करेगा, वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर लूप हमारा वर्क करता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको कोड करके देखते हैं कि हमारा किस तरह से हम लोग कर सकते हैं इसको, और भी थोड़ा क्लियर होगा हम लोग को। चलिए हम लोग इसको कोड करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, इसको हम लोग को फॉर लूप से करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इनिशियल आई एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, i = 1। ठीक है, उसके बाद clrstr लिख देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप लिखते हैं अपना, फॉर i = 1, उसके बाद इनिशियलाइज कर लिए हम लोग, उसके बाद हम लोग को सेमी कोलन देना है, फिर i < 2 कहाँ तक चलाना होगा हम लोग को, 10 तक, क्योंकि हम लोग को 10 तक ही प्रिंट चाहिए, तो हम चाहते हैं कि 10 ही बार लूप चले, i < 10। फिर क्या करते हैं, i + या फिर i = i+1। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं। अब इसका बॉडी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, जस्ट प्रिंट कराना है, तो हम लोग लिख देते हैं प्रिंट एफ %d \n भी ले लेते हैं, ताकि हर आउटपुट हमारा नेक्स्ट लाइन पे आए, और आई को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, अच्छा, और एक काम हम लोग क्या करते हैं कि और एक प्रिंट एफ ले लेते हैं फॉर के बाहर, जिससे हम लोग को पता चले कि ये कब प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर डन लिख लिए हम लोग, और गेट ch लिख देते हैं स्क्रीन होल्ड करने के लिए। ये हो गया हम लोग का प्रोग्राम, चलो इसको कंपाइल और रन करके देखते हैं। कंपाइल कर लिए, 0 एरर, रन करते हैं, देखिए हमारा प्रिंट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो हम लोग दो चीज़ देखेंगे यहाँ पे,
सबसे पहला चीज़ तो अगर ये कंडीशन पहले ही बार में फॉल्स हो गया तो, यानी कि अगर हम यहाँ पे ऐसा कर दें कि ज़ीरो कर दें इसको, तो यहाँ तो आई हम वन ले रहे हैं और वन लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो ये फॉल्स होगा, तो मेरा सिर्फ डन प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। देखिए हमारा सिर्फ डन प्रिंट हो रहा। अब एक और काम कर देते हैं हम लोग, एक और चीज़ करते हैं कि आई का वैल्यू चेक करते हैं। ठीक है, वापस से मैंने 10 लिख दिया। अब ये चेक करते हैं कि जैसे हमने देखा था कि लास्ट टाइम में क्या हो रहा था, आई इंक्रीमेंट हो रहा था, जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें 4 हो रहा था, और यहाँ पे चेक कर रहा था तो फॉल्स हो रहा था तो बाहर आ जा रहा था। तो देखते हैं हमारा आई का वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। डन के बाद हम परसेंट डी दे देते हैं और आई लिख देते हैं, तो हमारा क्या प्रिंट आना चाहिए यहाँ पे। ऐसे तो 10 तक तो यहाँ प्रिंट करेगा, ठीक है। 10 के बाद क्या होगा, इस ब्रैकेट से यहाँ आएगा, इंक्रीमेंट करेगा 10 प्लस 1, यानी आई में 11 स्टोर होगा, और 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये बाहर आएगा। बाहर आएगा तो यहाँ पे डन 11 प्रिंट होना चाहिए। चलो इसको कंपाइल रन करके देखते हैं। देखो डन 11 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, चलिए यही था हमारा फॉर लूप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।